नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पंडित और आप देख रहे हैं जीएस मंत्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल को सीधे तौर पर अगर हम परिभाषित करें तो धरातल के चारों ओर पाया जाने वाला बहुस्तरीय गैसीय आवरण ही वायुमंडल कहलाता है। जैसे हम देखते हैं, यदि यह पृथ्वी है तो इसके चारों ओर बहुस्तरीय गैसीय आवरण अर्थात गैसों का जो आवरण है उसके स्तर बहुत से हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं, यह बहुस्तरीय गैसीय आवरण हो गया जो धरातल के चारों ओर पाया जाता है, चाहे पृथ्वी के तल पर समुद्र हो या स्थल, इसके चारों ओर बहुस्तरीय गैसीय आवरण पाया जाता है, वह है वायुमंडल। और अब अगर हम देखें तो गैसें सर्वाधिक चलायमान होती हैं, क्योंकि गैसों के कण सबसे ज्यादा दूर दूर होते हैं, उनमें गति सर्वाधिक होती है। फिर भी ये जो गैसेस हैं ये पृथ्वी के क्षेत्र को छोड़कर बाहर क्यों नहीं निकल जाती हैं? इसके वायुमंडलीय क्षेत्र से ये गैसें पलायन क्यों नहीं कर जाती हैं? इसका एकमात्र कारण है पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का पाया जाना। पृथ्वी के केंद्र में निकिल और फेरस की उपस्थिति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कारण है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का कारण, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का कारण क्या है, तो पृथ्वी के केंद्र में उपस्थित निकिल और फेरस, निकिल और लोहे की उपस्थिति पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण को जन्म देती है, और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह वायुमंडल पृथ्वी से बंधा हुआ है। अभी हम आपको बताएंगे कि गुरुत्वाकर्षण कहां तक प्रभाव डालता है वायुमंडल को बांधे। पहले तो हम बात करते हैं कि वायुमंडल के लाभ क्या क्या है। वायुमंडल है हमारी पृथ्वी के धरातल के चारों ओर, तो उसका कुछ लाभ भी होगा। उसका सर्वप्रथम लाभ तो यही है कि वह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करता है। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण कैसे करता है? हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यह हुआ मनुष्यों के लिए या प्राणियों के लिए। वृक्षों को आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की। इस प्रकार चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वन्य जीव हो, चाहे वनस्पतियां हो, वृक्ष हो, सबके लिए वायुमंडल का होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि वायुमंडल शब्द ही स्पष्ट है कि उसमें वायु होती है, और वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। तो विभिन्न प्रकार की गैसें, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो, चाहे HFC हो, ये सब, या फिर अमोनिया हो, ये सब गैसें वायुमंडल में हमारे पाई जाती है किसी न किसी चरण में, किसी न किसी अवस्था में, और ये सब मानव जीवन के लिए आवश्यक होती है। दूसरा, पृथ्वी पर जल के लिए भी गैसें जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण होता है, और ये दोनों गैसें ही हैं, और हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, इसलिए जल की उपस्थिति के लिए भी इनकी आवश्यकता पड़ती है। धरातल पर जीवों को उचित ऊष्मा प्रदान करने के लिए भी वायुमंडल का योगदान महत्वपूर्ण है। उचित ऊष्मा, बताते हैं ऊष्मा प्राप्त करने में, उचित ऊष्मा, देखिए शब्द है उचित ऊष्मा, यह पूरा शब्द है उचित ऊष्मा, क्योंकि ऊर्जा ऊष्मा के रूप में सूर्य से तो आती है पृथ्वी की ओर, लेकिन उसका स्वरूप बहुत भयंकर होता है, क्योंकि सौर लपटें चलती हैं। अगर वो पूरी तरह से पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाएगा, लेकिन हमारा वायुमंडल गर्म किरणों को अवशोषित करता है और उचित ऊष्मा पृथ्वी तक आने देता है। हमारा वायुमंडल कंबल और चलनी दो प्रकार का व्यवहार करता है। वायुमंडल के बारे में एक प्रश्न आ सकता है कि वायुमंडल हमारा व्यवहार किसकी भांति करता है, तो आप बता सकते हैं कि चलनी और कंबल की भांति। बताते हैं चलनी की भांति कैसे व्यवहार करता है। चलनी की भांति व्यवहार करने की बात हमने कही, तो जब
सूर्य से किरणें आती हैं, तो कुछ गैसें ऐसी हैं जो उन किरणों को छन करके पृथ्वी तक आने देती हैं। वो सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, और जो सूर्य से किरणें आती हैं वो आती है लघु तरंग सौर विकिरण के रूप में। लघु तरंग सौरिक विकिरण, या उन्हें आप SWR भी कह सकते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती हैं, जिनके लिए कुछ गैसें पारगम्य होती हैं। परंतु जब वो ऊष्मा पृथ्वी पर आ जाती है, पृथ्वी द्वारा कुछ हद तक अवशोषित की जाती है, और फिर रात्रि के समय जब पृथ्वी उसी ऊष्मा को वापस उत्सर्जित करती है, तो वो गैसें उस ऊष्मा को वापस जाने नहीं देती हैं। और जिस मोड में वो उत्सर्जित करती है पृथ्वी, जैसे सूर्य से तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, तो पृथ्वी से जब उत्सर्जित होती है ऊर्जा, तो वह लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में होती है, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में होती है। और दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के लिए कुछ गैसें अपारगम्य होती हैं। वे गैसें सूर्य की किरण को तो आने देती हैं, ऊष्मा को आने देती हैं धरती तक, लेकिन धरती से उस ऊष्मा को वापस जाने नहीं देती हैं। और यही कारण है कि रात्रि के समय पृथ्वी हमारी अत्यधिक ठंडी नहीं हो जाती है, नहीं तो जितनी ऊष्मा आती है यदि वो सारी निकल जाए तो पृथ्वी का तापमान रात्रि में बहुत कम हो जाएगा और जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो ये गैसें तरंगों के आते समय SWR के लिए चलनी की भांति व्यवहार करती हैं, ये छन के आने देती हैं, लेकिन LWR के लिए कंबल की भांति व्यवहार करती है। और इसी प्रकार किरणों का छन कर आना परंतु वापस न जा पाना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। तो हरित गृह प्रभाव के लिए ये गैसें भी जिम्मेदार हैं, और इस प्रकार की घटना के लिए जिम्मेदार जो गैसें होती हैं, जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देती हैं, वे हरित गृह गैसें कहलाती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। और इस प्रकार की गैसों में आप देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, CH4, CFC, HFC आदि होती हैं, इस प्रकार के घटनाओं के लिए जिम्मेदार। तो ये तो थी वायुमंडल की महत्ता। अब देखते हैं कि वायुमंडल की ऊंचाई, जो अभी हमने कहा था कि लोहा और निकिल ये दोनों केंद्र में उपस्थित होते हैं, और ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा वायुमंडल को नियंत्रण में रखते हैं, ये बाहर भाग जाने नहीं देते हैं गैसों, तो ये किस प्रकार से रोक के रखते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई की बात करें तो वायुमंडल धरातल के पास सर्वाधिक सघन होता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के निकट सर्वाधिक होता है, दूर जाते जाते गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाता है। बात सघनता की हो रही है, सघनता अर्थात यदि 100% गैस वायुमंडल में मौजूद है तो उसमें से अधिकांश प्रतिशत पृथ्वी के निकट ही होगा। जैसे एक डाटा आपको बताते हैं कि 50% गैस 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक ही है। 50% वायुमंडल का घनत्व जो है वह 5.6 किलोमीटर पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई तक ही है, और पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई समुद्र तल से नापी जाती है, इसलिए समुद्र तल से 5.6 किलोमीटर ऊंचाई तक ही 50% वायुमंडल समाप्त हो जाता है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सघनता पृथ्वी के निकट कितनी ज्यादा है, और जबकि वायुमंडल की कुल ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर मानी जाती है, और उस 10,000 किलोमीटर के वायुमंडल का 50% सिर्फ 5.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही समाप्त हो जाता है, और 97% वायुमंडल समाप्त हो जाता है 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 29 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त करते करते 97% वायुमंडल समाप्त हो जाता है, अर्थात सघनता उसके बाद नाम मात्र की रह जाती है,
गैसें बहुत विरल मात्रा में प्राप्त होती है। तो ये थी जानकारी वायुमंडल के बारे में। ये है वीडियो वायुमंडल का पार्ट फर्स्ट। पार्ट सेकंड में हम आपको वायुमंडल की संगठन के बारे में बताएंगे और पार्ट थर्ड के बारे में हम आपको वायुमंडल की संरचना बताएंगे, जहां आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल इत्यादि पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल जीएस मंत्रा। जय हिंद, वंदे मातरम।